कर लेते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं एके मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से आज हमारे शो का हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत है आप एके मिश्रा जी। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से अगर आप इस पूरे मुद्दे पर कुछ रोशनी डालना चाहें, किस तरह से देखते हैं आप नीतीश कुमार, जो कि जाने जाते हैं सभ्य भाषा के लिए, शालीन शब्दों के लिए, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, चुनावी जो चुनौती होती है, स्पेशली जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स की अगर हम स्टडी करें तो जितने भी राजनेता होते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत सारे स्टेक उसी राज्य में होते हैं। और बात जब हार और जीत की होती है, ये इनके इन प्रकार सत्ता बनाने की होती है, तो वहां पे सारी मर्यादाएं कॉम्पिटिशन को डिफीट करने के लिए वो लोग लांग जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर ये अमर्यादित भाषा है तो क्या विपक्ष के नेताओं ने कभी पास्ट में अमर्यादित भाषाएं प्रयोग नहीं किए? क्या जाति पाति और धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बिहार में या यूपी में क्षेत्रीय छत्रपों ने नहीं किया है? यानी एके मिश्रा जी, जनता को ये समझ में आता है कि कब ये पर्सनल अटैक किस लिए किए जा रहे हैं? जनता को कैसे भी रिझाया जाए, कहने का मतलब ये है कि जनता को कैसे भी करके रिझाया जाए। देखिए, अभी पास में एक मुद्दा चला था कि शराब पे पुनर्विचार के लिए जो है किसी एक पार्टी ने वहां पे बोला था, मैं नाम नहीं, जातिवाद पे हमने कभी बात नहीं किया, ना कभी था। जो बात करते रहे हैं वो उस तरह की राजनीति करते रहे हैं। हमने हमेशा पहले भी वंचितों और गरीबों के उभार की बात की, राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी की बात की। किसका गुप्त नारा था? और आज पूछ लीजिए मैम कि भूरा बाल साफ करो किनका नारा? वो आपने कहा था। मैं आपको चुनौती देता हूं कि किसी भी पत्रकार को किसी भी लेख में या इंटरव्यू में दिखा दे कि गांधी जी ने कहा है, तो फिर आप मान लेंगे। इस तरह का घटिया बात केवल नहीं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक एक्स आईपीएस ऑफिसर था, उसकी वाइफ के साथ, सुनिए, मुझे पता नहीं किसका राज्य था, मैं बिहार स्टेट की मैं बात करता हूँ, क्या हुआ था आप मुझे बताएंगे और कितने सालों तक? जो बिहार की जनता को चाहिए, आप क्या बात करोगे? आप ये बताओ ना कि मुजफ्फरपुर जो घटना हुई उसमें 34 बसियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें तोंद वाले, मूछ वाले और उनके पत्नी को आपने टिकट कैसे दे दिया? मंजू मैं पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने तरफ भी उठा के देखिए। शहाबुद्दीन जैसे पार्टी कोई भी रही हो, पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे लोगों को आप लोगों ने महानुभाव बना करके वहाँ पे प्रेजेंट किया है, प्रयोग किया है ताकि आप लोग वोट दे सके, पा सके। महिलाओं के सम्मान दिलाने के लिए इस तरह का बयान क्या जस्टिफाइड है? पब्लिक के प्रवक्ता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मैं बोलना ये चाहूंगा कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में बदल जाती है, मैं दोनों पार्टियों की बात करता हूं, तो ऐसे असभ्य भाषा, कॉम्पिटिशन की डिग्री को आप देखिए, जहां उनको सत्ता जाने का डर सताने लगता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि आप राजनेता हैं तो एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जब आप बड़े पद पे राजनेता होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, व्यक्तिगत लाइफ नहीं रहती है, आपके परिवार का आचरण, आपका आचरण भी जो है पब्लिक देखती है और आपके प्रतिपक्ष के नेता लोग देखते हैं। हालांकि ऐसी भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, शोर, सारे हैं। एके मिश्रा जी,